नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। तो आज का मीटिंग थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है ना, जो लोग पहले आए तो देख ही रहे, थोड़ा सा साफ सफाई करना पड़ गया। तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल सकता है। यस सर। आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। खाना पीना खा के तो आए होंगे। आज का डिनर थोड़ा लेट से कर लेंगे क्या? मतलब ज्यादा नहीं, 7:30 तक ले सकता हूँ समय आपका। अभी 6:15 हो गया, मतलब 1.25 घंटा में लूंगा आपका। एकदम एकदम। चलिए, मैं आर्यन कुमार सुमन आप सभी का आज के थर्सडे की ट्रेनिंग में दिल की गहराइयों से आप सभी का वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं और पिछले ट्रेनिंग में सहा सर ने बहुत अच्छा बात कहा था कि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम कोई भी फोन, किसी भी महंगे से महंगे फोन को लिया जाए तो उसको चार्ज करना पड़ता है, उसी प्रकार से हम और आप जिनके भी फोन थोड़ा साइलेंट नहीं, थोड़ा उसको देख ले। हाँ, सभी लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, अपने अपने फोन को साइलेंट कर लीजिए। तो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा कि साहा सर ने लास्ट ट्रेनिंग में कहा था कि मोबाइल चाहे महंगा कितना भी क्यों ना हो, आपको चार्ज करना पड़ता है। यस, यस। क्योंकि हम उसको यूज करते हैं पूरा दिन। उसी प्रकार से सेफ शॉप में भी क्या होता है कि जब आप थोड़ा बच्चे को देखेंगे, मैम उसको थोड़ा पकड़ ना ले, थोड़ा इसको मेंटेन करेंगे, उसको स्टिक को पकड़ लेगा ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो जिस प्रकार से सेफ शॉप में भी क्या होता है कि हम लोग 7 दिन काम करते हैं और 7 दिन काम करने के बाद फील्ड में क्या होता है, फील्ड में क्या होता है, फील्ड में हम पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, यही होता है। और नेगेटिव लोग क्या करते हैं, हमारा एनर्जी खींच लेते हैं। yes, yes. और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथा दिन, सप्ते का पांचवा दिन, छठा दिन जाते जाते क्या होता है, हमारी भी बैटरी डाउन हो आती है। तो हमको भी चार्ज खुद को करना पड़ता है। तो ये जो फ्राइडे की, थर्सडे की ट्रेनिंग है, ये हमारा चार्जिंग सेंटर है, जहां पे हम आते हैं और खुद को चार्ज करते हैं, ताकि अगला 7 दिन हमारी बैटरी क्या रहे, पूरा फुल चार्ज रहे। अब जरा सोचिए, जो लोग ट्रेनिंग नहीं आते हैं उनका क्या होता होगा? मतलब वो तो वो हो गए, बैटरी क्या, हम लोग के टाइम पे क्या था मुन्ना सर, जब हम लोग बैटरी चेंज करते थे और अगर मोबाइल को छोड़ देते थे ना, तो बैटरी फुल जाती थी। तो हम लोग अभी अभी कहां, अभी तो इनबिल्ट बैटरी होती है, अब तो देखने को मिलता कहां है, पहले बैटरी फुल जाती थी तो हम लोग समझते थे कि बैटरी डेड। अभी क्या होता है, मोबाइल डेड, अब तो बैटरी चेंज कर नहीं सकते हैं। तो अगर किसी मोबाइल को 2 महीने 3 महीने छोड़ दिया जाए, 6 महीने तक छोड़ दिया जाए और चार्ज ही ना किया जाए, ऐसा कहा आता है कि मोबाइल डेड हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से सेफ शॉप में भी अगर जो व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं आएंगे, ना चाहते हुए भी वो इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। तो एक ना एक दिन क्या होगा, डेड, वो डेड हो जाएंगे। है? तो इसलिए ट्रेनिंग की एक अपनी इंपॉर्टेंस है ना, ट्रेनिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, जहां पे हम सबको आना चाहिए। अब जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है, है? ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि आज सिलीगुड़ी में सिर्फ क्या इतने लोग ज्वाइन है, काफी लोग ज्वाइन है, लेकिन उन काफी लोगों में से, उन सारे लोगों में से कुछ लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। क्यों पहुंच पाते हैं कुछ लोग? आना सब चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई कारण उनको रोक लेता है, कोई काम आ गया, बॉस छोड़ नहीं रहा है, ड्यूटी जाना पड़ रहा है। जैसे सक्षम जी का बहुत आने का मन था लेकिन बेचारे का ड्यूटी लग गया, अब आने की चाहत है लेकिन ड्यूटी लग गई उनकी। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में हैं, घर से निकलते हैं उनकी वाइफ रोक देती है, अच्छा सुनते हैं जी घर में ये चीज खत्म हो गया है, अब बेचारा ट्रेनिंग निकल रहा था, अब मैडम की बात काट नहीं सकता है। अब घर से निकल रहे होते हैं, बच्चा पकड़ लेता है, पापा ये चीज, अब ट्रेनिंग के टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं। तो किसी ना किसी कारण से क्या होता है कि हम को कोई ना कोई कारण रोक लेता है। आप जरा सोचिए, आप सब वो लोग हैं जो उन सारी चीजों को छोड़ करके आप यहां तक पहुंच जाते हैं।
इसलिए यह कहा गया है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। अब क्या है सक्सेस पाथ, और हर ट्रेनिंग हम लोग यही सीखते हैं सक्सेस पाथ। अच्छा, आज कितने लोग ऐसे हैं जो आज के ट्रेनिंग में फर्स्ट टाइम आए? मुन्ना सर हैं, और कौन है? सर भी हैं, वो किनके साथ आप आए हैं? आपके साथ आए हैं, अच्छा ठीक है। कारे जी आए हैं, और कौन है? भोला जी भी हैं, फर्स्ट टाइम है। चलिए, इन लोगों के लिए ये चीज देखिए नया होगा, और आप लोगों के लिए वही बातें है, वही बातें। तो सक्सेस पाथ का मतलब यह है, हमारी इंडस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है तो उस क्षेत्र के रास्ते पे चलना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। जैसे मान लेते हैं किसी को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको कौन से रास्ते चलना पड़ेगा? देखिए, मनोतो जी ने कहा डॉक्टर वाला रास्ता, मतलब इनके हिसाब से डॉक्टर बनने के लिए एक रास्ता अलग है, डॉक्टर वाला रास्ता। अब किसी को इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर वाला रास्ता। अब किसी को आईएएस बनना हो तो आईएएस वाला रास्ता। अब किसी को वकील बनना हो तो वकील वाला रास्ता, मतलब बोलते हैं एलएलबी। तो सबका अपना अपना एक रास्ता है। अब जरा सोचिए, अब हम इंजीनियर बनना चाहते हैं और चल कहां रहे हैं? डॉक्टर वाले रास्ते पे। बनेंगे तो क्या बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। फिर उसी प्रकार से अब इस क्षेत्र में हम आए हैं, इस इंडस्ट्री में हम आए हैं क्या बनने के लिए? डायमंड बनने के लिए आए हैं। तो यहां भी डायमंड बनने के लिए आपको यहां के रास्ते पे चलना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? डायमंड बनने वाला रास्ता। जैसे इंजीनियर का रास्ता होता है, डॉक्टर का रास्ता होता है, आईएएस का रास्ता होता है, वैसे डायमंड का भी रास्ता होता है। और इस रास्ते पे चलने के बाद ही आप डॉक्टर डायमंड बन सकते हैं। इस रास्ते पे, कौन से रास्ते पे? जिस रास्ते पे चल के डायमंड बना जा सकता है, और वही सक्सेस पाथ के बारे में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो तैयार हैं आज के लिए? चलिए, सक्सेस पाथ में पहला क्या आता है? पी फॉर पेशेंस, यानी कि धैर्य। और ऐसा कहा गया है कि सेफ्सो बिजनेस में धैर्य का काफी अहम इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कि इस तरह के बिजनेस में, अथरी मैम, इस तरह के बिजनेस में वही लोग सफल होंगे जिनके पास पेशेंस है। जिनके पास पेशेंस या धैर्य नहीं है उनके लिए यह बिजनेस नहीं है। जिनको क्विक इनकम चाहिए, जिनको क्विक सक्सेस चाहिए, तो फिर लॉटरी अच्छा है। बिना मेहनत का कभी ना कभी नंबर तो लगेगा अपना। और यहां पे वो क्विक चीज नहीं है, यहां पे पेशेंस का खेल है, पेशेंस, धैर्य। अब आप सबको पता है कि धैर्य कितना, देखिए आपको पता है कब तक? अच्छा, लॉटरी में पता है? वहां तो पता है नहीं, लेकिन यहां तो पता है। उसके बावजूद भी हम धैर्य खो देते हैं, जबकि सबको पता है कि यहां का पेशेंस बस 4 साल का है, और वहां पे पता नहीं है कि लॉटरी आज 10 साल के बाद फंसेगा कि कल भी फंसेगा, कभी भी हो सकता है। तो जानने के बाद भी हम पेशेंस खो देते हैं, जबकि सबको पता है कि 4 साल का पेशेंस यहां देना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बड़े महात्मा थे, तो दो दोस्त हुआ करते थे। उनको बड़ा चुल मचा, यार अमीर बनना है। तो पता चला कि हमारे गांव में एक महात्मा आए हुए हैं। तो उस दोनों ने क्या सोचा, चलो महात्मा के पास जाते हैं, उनसे पूछेंगे कि महात्मा जी कुछ बताओ जिससे हम रातों रात अमीर बन जाए। तो गया महात्मा के पास कि बाबा जी कोई रातों रात कोई चमत्कार हो सकता है क्या, हमको अमीर बनना है। और महात्मा बड़े सिद्धि थे, बहुत सिद्ध, कि वो इतने ताकतवर थे कि कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सिद्धि महात्मा थे, बहुत सिद्ध बड़े महात्मा थे। तो उन्होंने कहा कि रातों रात ला तो चीज नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मंत्र है जो मैं तुमको दे सकता हूं, और इस मंत्र से तुम अमीर क्या बहुत 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 जितना तुम चाहो उससे 10 गुना 20 गुना अमीर बन सकते हो, लेकिन रातों रात नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, एक मंत्र है मेरे पास। और उस मंत्र का नियम है, कहा क्या बाबा जी? उसने कहा कि तुम क्या करो,
मैं तुमको एक मंत्र देता हूं कि हे मिट्टी तू सोना बन जा। क्या मंत्र है? सोना बन जा। अब उसने कहा अब मिट्टी कितना चाहिए तुम देखो, क्योंकि जितना मिट्टी तुम रखोगे सोना बन जाएगा। तो उसने क्या किया, पूरा एक जमीनी खोद दिया और खोद करके मिट्टी बाहर निकाल करके एक पहाड़ बना दिया जितना उसको सोना चाहिए था। क्या हमको कितना सोना चाहिए? इतना चाहिए, कितना चाहिए, उतना मिट्टी निकाल लिया और मिट्टी पे बैठ गया कि हमको इतना सोना चाहिए। और बैठ गया तो वही मंत्र, हे मिट्टी तू सोना बन जा। अब एकदम नहा धो करके एकदम फ्रेश व्रेश टीका चादर लगा करके बैठ गया, स्टार्ट, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। और वो बोलते 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 काफी समय बीत गया, एक घंटा बीत गया, दो घंटा बीत गया, दस घंटा बीत गया। तो वो सोच रहा है कि मंत्र सही है कि नहीं है, कि बाबा जी थक तो नहीं लिया हमको। तो फिर भी कहा कि चलो हो सकता है कि दो तीन घंटे और बचते हैं। बचते बचते रात हो गया, वो अभी तक बोली रहा है हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। उसको डाउट हो गया, बाबा जी तो बड़ा हमको बुद्धू ना दिए। फिर सोचा कहीं कुछ हो तो बढ़िया है, हिम्मत नहीं हारा था, कुछ अमीर बनना है। तो रातों खत्म, रात हो गई, रात भी खत्म हो गया, वो बैठा हुआ है। सुबह हो गई, अंतर क्या आया, जब वो नहा धो के बैठा था टिक्का चंदन लगा करके तो कैसे बोलता था हे मिट्टी तू सोना बन जा, लेकिन नेक्स्ट दिन क्या हुआ था, हे मिट्टी तू सोना बन जा। अब क्या आ गई, थक गया, हे मिट्टी तू सोना बन जा। अब धीरे 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 मुंह से आवाजें निकला, मन में बोल रहा है हे मिट्टी तू सोना बन जा। वो दो दिन, दूसरा दिन आ गया और दिन दोपहर भी आ गई, शाम भी आ गई। अब वो बोलना छोड़ दिया, मन में बोला हे मिट्टी। वो अब उसको गुस्सा आ गया, कहा हे मिट्टी अगर तू सोना नहीं बन सकता कम से कम लोहा तो बन जा। और उसी समय लोहा बन गया। उसी टाइम जिस टाइम उसने क्या कहा था कि हे मिट्टी अगर तू सोना नहीं बन सकता कम से कम लोहा तो बन जा, लोहा बन गया। मतलब वही वो क्षण था जिस समय अगर वो पेशेंस रखता और जो मंत्र दिया गया था अगर वो मंत्र रचता तो वही वो क्षण था जिस समय सोना बन सकता था। अब आप बताइए बाबा जी फेंकते क्या? बाबा जी तो एकदम कन्फर्म बाबा जी थे, मंत्र तो एकदम बड़ा बढ़िया था उनका, तो बाबा जी ठीक थे। तो सेवसो भी ठीक है, सेवसो भी ठीक है। लेकिन अब देखिए फर्क क्या है वहां और यहां में, उसको यह नहीं बताया गया था कि कब यह मंत्र काम करेगा, इसलिए उसने पेशेंस खो दिया। क्या सेवसो अपना को बताया नहीं गया कि यह काम कब करेगा? चार साल के लिए। तो उसको पता नहीं था तो उससे गलती हुई, आपको तो पता है तो क्या आप गलती करेंगे? चार साल से पेशेंस पहले पेशेंस खोएंगे तो वही गलती होगी। अगर आपने चार साल से पेशेंस खो दिया तो भाई साहब डायमंड तो बहुत दूर की चीज है, पता नहीं क्या बनेंगे आप। कुछ तो बनेंगे लेकिन आप, लेकिन डायमंड नहीं बनेंगे लेकिन कुछ तो बन जाएंगे। तो पेशेंस रखना है। अब रही बात कि कई लोग कहते हैं कि सर आप लोग पेशेंस की बात करते हैं लेकिन कभी ये बताते नहीं है कि इंसान पेशेंस खोता क्यों, आखिर कारण क्या है कि इस तरह के क्षेत्र में, इस तरह के बिजनेस में लोग पेशेंस क्यों खो देते हैं। तो उसका कुछ कारण है, उस कारण को समझते हैं। इसका मात्र दो कारण है, वो दो कारण ऐसा कारण है जिसको हमको बस समझना है, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं वही लोग पेशेंस खोते हैं हमारे बिजनेस में। वो दो कारण क्या है, वो दो बातें क्या है। पहला है कि उनको यह समझना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है ये संभावनाओं का बिजनेस है। किसका है? संभावनाओं का। और दूसरा है सिद्धांत का। एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, एक फैक्ट का बिजनेस है, संभावनाएं और सिद्धांत का बिजनेस है। अब देखिए संभावनाएं क्या होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, सेफ शॉप ज्वाइन करते हैं, दो लोग के पास जाते हैं, दो लोग ना कह देता है और वो सेफ शॉप छोड़ देते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमने दो लोग को बताया, दो लोग ने ना कह दिया, हमने सेफ शॉप छोड़ दिया। ठीक है। कुछ लोग तीन लोग के पास जाते होंगे, कुछ लोग चार के पास जाते हैं, उनको ना मिलता है और वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसको ये कोई बताता कि ये बिजनेस संभावनाओं का है, और संभावनाएं क्या कहती है, संभावनाएं कहती है कि अगर आप 10 व्यक्ति को बताएंगे 10 का 10 भी कर सकता है, 10 में से एक भी कर सकता है, 10 में से दो भी कर सकता है, और 10 में से कोई भी ना करे, ये संभावनाएं कहती है।
अगर उसको पता होता कि संभावनाएं ये कहती है तो क्या वो दो व्यक्ति भी रुकता, क्या वो तीन व्यक्ति भी रुकता, क्या वो चार व्यक्ति भी रुकता? उसको यह पता है कि मैं अगर 10 लोगों को बताऊंगा तो संभावनाएं कुछ भी है, 10 का 10 भी 10 में से कोई भी नहीं, या 10 में से एक भी हो सकता है। अब जिस व्यक्ति को यह संभावनाओं की बातें समझ में आ गई वो पेशेंस खोएगा, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे। प्रदीप जी आपका दोस्त खोएगा, उसको अगर पता चल जाए खोएंगे। अब कहती है सिद्धांत, सिद्धांत समझिए। सिद्धांत क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 किलो दूध है और आपको उसमें से मलाई निकालना है अर्णव जी, तो 1 किलो दूध से मलाई कितना निकलेगा मैडम? कितना? 1 किलो दूध से मलाई कितना निकलेगा? या घी 20 ग्राम 25 ग्राम घी निकलेगा। अब मैडम को बोलेंगे कि हम 1 किलो दूध देंगे और हमको 50 ग्राम घी का चाहिए, मैडम निकलेगा उससे? देखिए मैडम बोलती नहीं। तो मैडम 50 ग्राम घी के लिए कितना दूध चाहिए फिर? तो दूध को बढ़ाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फैक्ट, कि आप कितना भी चाह लो 1 किलो दूध से 50 ग्राम घी नहीं निकल सकता है। आपको 2 किलो दूध क्या थ्री मैम, आप पानी पी लीजिए। आपको 50 ग्राम घी के लिए 2 किलो दूध, इसको बोलते हैं फैक्ट। कि अगर आपको एक आदमी चाहिए तो मिनिमम कम से कम 10 लोगों को प्लान दिखाना, क्या संग्राम जी? 10 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, यह है फैक्ट। अब जो व्यक्ति 10 व्यक्ति को प्लान दिखा दे और उसके साथ एक व्यक्ति कम से कम ना हो, ये हो ही नहीं सकता है, इसको बोलते हैं फैक्ट। तो इसको बोलते हैं संभावनाएं की बिजनेस और सिद्धांतों का बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति संभावनाएं और सिद्धांत की बातों को समझ ले तो हमको लगता नहीं है कि यहां कोई व्यक्ति पेशेंस कभी नहीं खोएगा, कभी नहीं खो सकता है वो। तीसरा चीज, तीसरा पॉइंट पे आते हैं, लोग पेशेंस क्यों खोते हैं। दुनिया में इस बिजनेस को छोड़कर के दूसरे कोई जगह जाएंगे आप, जैसे मान लेते कोई बिजनेस करें आप, कोई नौकरी करें आप, कोई प्राइवेट जॉब करें आप देखिए वहां पे आप पेशेंस रखते हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब से, उन लोगों से पूछे ना, उन लोग कितना परिश्रम काम करते हैं, वो लोग वहां पेशेंस रखते हैं। अब जैसे ये लोग बिजनेसमैन है, ये लोग बिजनेसमैन है, इन सबसे पूछिए पेशेंस रखते हैं ये लोग? क्यों पेशेंस रखते हैं? क्योंकि जॉब में और नौकरी में और बिजनेस में किसी चीज का डर होता है। जैसे कि मान लेते हैं नौकरी में बॉस का डर है, क्या चीज का डर है? बॉस का डर है। जिस डर से आप वहां धैर्य रखते हैं कि अगर मैं धैर्य नहीं रखूंगा तो मेरा बॉस निकाल सकता है हमको, और इस डर से आप वहां पेशेंस रखोगे। अगर आपका 3 दिन सैलरी लेट हो जाएगा ना, 3 दिन सैलरी लेट हो जाएगा, आप धैर्य नहीं खोएंगे, आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। और छोड़िए 3 दिन, 3 महीना अगर आपको सैलरी कंपनी ना दे तब भी आप नहीं छोड़ेंगे। क्यों? करना ही पड़ेगा क्योंकि बॉस निकाल देगा। आपको यह पता है कि मिलेगा सैलरी, नहीं मिल रहा है लेकिन मिलेगा, और आप पेशेंस रखे हुए हैं। दूसरे आते हैं बिजनेस में। बिजनेस में मान लेते हैं कि आज मैंने सिलीगुड़ी में 20 लाख रुपया खर्चा किया, एक दुकान खोल लिया, क्या लगता है पहला दिन कितना कस्टमर आएगा? संभावनाएं सर मैं बताता हूं, नया बिजनेस सिलीगुड़ी प्रधाननगर में महीने में कम से कम 10 खुलता है, 10 बंद होता है। लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट होती है, और कितना बिजनेस खुलता है कितना बिजनेस बंद होता है मैं अपनी आंखों के सामने देखा हूं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं बिना इनकम का भी दुकान खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी डर है। डर क्या है? इन्वेस्टमेंट। वो भी खोल रहा है दुकान, इनकम जीरो है, लेकिन डर किस बात का है? मेरा पूंजी फंसा हुआ है, बैंक से लोन लिए हुए हैं, पार्टनरशिप लिए हुए हैं, मार्केट से पैसा लिए हुए हैं, और कस्टमर नहीं भी आ रहा है, फिर भी एक धैर्य है, एक डर है, जिस कारण से आप वहां बैठते हैं, दुकान खोलते हैं। तो नौकरी में बॉस का डर है और बिजनेस में लॉस का डर है। और हमारे बिजनेस में, हमारे क्षेत्र में ना बॉस है ना लॉस है, फिर डर किस बात का? अगर आप 7 दिन नहीं काम करेंगे क्या आपके हम बॉस है? आपको हम डांटेंगे, धमकी दे सकते निकालने का? नहीं। यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अभी तक कुछ नहीं किए, लेकिन डर किसी चीज का नहीं है। इस कारण से भी लोग यहां पे ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि यहां डर ही नहीं है, ना बॉस का डर ना लॉस का डर। सबने पैसा दिया, सामान सबको मिल चुका है, क्या ऐसा कोई है जिनको सामान नहीं मिला है? पैसा दिया, हमने सामान लिया, इन्वेस्टमेंट जीरो है, तो ना लॉस का डर है ना बॉस का डर है। और जब डर ही नहीं है तो फिर डर कहां से आएगा? कुछ दिन काम करेंगे, काम नहीं होगी, थोड़ी सी संघर्ष होगी, बाय बाय सेफ्टी।
बाय बाय सेफ शॉप, गया क्या मेरा यहां पे, बाय बाय सेफ शॉप, कहता बाय बाय सेफ शॉप। यही कारण है जिस कारण से लोग यहां लंबे समय तक नहीं टिक पाते। लेकिन वो लोग जो पेशेंस रख लेते हैं, आज के डेट में सेफ शॉप में सफल वही लोग हैं जो पेशेंस रख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, सेफ शॉप बिजनेस में संभावनाएं और सिद्धांत की बात आई है, ऐसे कई एग्जांपल हैं सेफ शॉप में जो संभावनाएं की बातों को समझे हैं, आज वो डायमंड है। जैसे कि गुजरात में एक महिला है मिसेज अलका, उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग करने के बाद अच्छा सुनिए, मैं सुना ही देता हूं आपको। प्लीज थोड़ा साइलेंस मेंटेन करेंगे। तो उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने जिद किया, इंतजाम इनके पास करवाया और पैसे दिए, लेकिन उसी 8,000 की बदौलत आज मेरे घर में इतनी खुशियां है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या 8,000 लगाने से खुशियां आ सकती है? नहीं आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमने काम किया है। हमारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हमने फॉलो किया है,